गाजियाबाद से एक सनसनी खेज घटना सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार कार की बोनट पर एक व्यक्ति लटका हुआ दिखाई दिया। गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी, अगल बगल से दूसरी गाड़ियां भी गुजर रही थी, लेकिन गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बोनट पर लेटे व्यक्ति की जिंदगी मौत से जंग लड़ रही थी। दरअसल ये पूरी मामला बेहद सनसनीखेज है। दो गाड़ियों के बीच मामूली टक्कर हो गई, जिस पर पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया, लेकिन उसी समय गुस्से में लग्जरी गाड़ी सवार युवक ने दूसरे चालक पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, जिससे दूसरे कार सवार युवक गाड़ी की बोनट पर लटक रहा है और आरोपी युवक उसे कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई की है। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जावेद चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं। जावेद, जिस तरीके की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, बड़ी परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। युवक को बोनट पर लटकाकर दूसरा युवक गाड़ी को इतनी स्पीड में चला रहा है, जिंदगी का कोई खिलवाड़ हो रहा है, पूरी तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से इस युवक ने एक लग्जरी गाड़ी से एक युवक को अपनी गाड़ी पे टक्कर मारकर उसको लेके गया है, कहीं ना कहीं इसमें इसकी दबंगता भी सामने आई है। हालांकि कुछ लोगों द्वारा इस मामले को लेकर ये कम तकरीबन दो किलोमीटर तक इस गाड़ी के बोनेट पर इसको लेके गया है, जैसे लोगों द्वारा बताया गया है। उनका लगातार आरोप है कि दो गाड़ियों की आपस में टक्कर लगी है। टक्कर लगने के बाद इसने बोला है कि इस तरह का क्या मामला था, तो इसी मामले को लेकर इसने गाड़ी के बोनट पर डाला, उसको लेके चला गया, 2 किलोमीटर लगातार उस गाड़ी पर लेके गया है। खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट का मामला भी सामने आया है और लोगों द्वारा वहां पर उसको बचाया गया है। जिस तरह बचाया गया है, फिर पुलिस को फोन किया है, पुलिस मौके पर पहुंच गई है, उसमें मुकदमा दर्ज कर आरोपी कार्रवाई की जा रही है। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद।